Hello everyone, welcome to my channel Com Scholar, and this is a continuation video on dividend theory. देखिए हमने जो फर्स्ट लेक्चर वीडियो था हमने देखा था लाइक डिविडेंड डिसीजन में बेसिकली वी हैव टू टाइप्स ऑफ थियोरी दैट इज रिलेवेंट थियोरी एंड इररिलेवेंट थियोरी. सो हमने जो थियोरिकल जो पढ़ा था दैट इज रिलेवेंट थियोरी किसको बोलते हैं दैट विच अफेक्ट्स ऑन द प्राइस ऑफ द शेयर्स. दैट मीन्स जो भी डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट करने में जो भी कंपनी डिसीजन लेती है राइट तो उसका इफेक्ट जो है मेनली प्राइस ऑफ शेयर्स पे इफेक्ट करता है. ठीक है. अच्छा वैसे ये ना एक्चुअली प्राइस तो आएगा ही आएगा. एंड जब हम इरेलेवेंट थ्योरी की तरफ पढ़ते हैं दैट इज जैसे लिखा हुआ है विच डू नॉट अफेक्ट द प्राइस ऑफ द शेयर्स. ये एक्चुअली यहाँ पर प्राइस नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा वैल्यू ऑफ द शेयर्स. यहाँ पर आप चाहे लिख सकते हो वैल्यू. ठीक है. तो जब हम एमएम अप्रोच करेंगे तो उसके बारे में हम इन डिटेल अच्छे से पढ़ेंगे. तो देखिए इरेलेवेंट थ्योरी हमने जो है पहले डिस्कस की दैट इज वोल्टर्स अप्रोच, एंड नाउ इन दिस लेक्चर वीडियो वी आर डिस्कसिंग अबाउट दी गॉर्डन अप्रोच. एंड अगेन दिस इज दी रिलेवेंट थ्योरी दैट मीन्स वट एवर द कंपनी टेक डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ गॉर्डन अप्रोच दैट मीन्स इट एक्चुअली अफेक्ट्स ऑन द प्राइस ऑफ द कंपनी राइट. सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट दैट इज कॉल्ड गॉर्डन अप्रोच. देखिए गॉर्डन अप्रोच को बेसिकली वी हैव इसको हम इस तरह बोल सकते दैट इट इज आल्सो कॉल्ड ग्रोथ मॉडल. सो सपोज इफ एग्जाम इज आस्किंग इन द नेम ऑफ ग्रोथ मॉडल सो डोंट गेट कंफ्यूज इट इज इक्विवेलेंट टू ग्रोथ मॉडल. एंड अगेन इट इज आल्सो नोन एज दैट इज कॉल्ड बर्ड्स व्यू मॉडल राइट. सो तीनों में से कोई भी नाम आ जाए सो आप कंफ्यूज मत होना, एक ही मॉडल है. देखिए अगर हम वोल्टर अप्रोच की बात करें राइट तो हमने मेनली वहाँ पर जो है कुछ ये बोल सकते हैं एजम्पशंस हमने पढ़ी थी. कौन कौन सी हमने एजम्पशन पढ़ी थी? एजम्पशन हमने क्या पढ़ी थी लाइक इफ आर इज ग्रेटर देन के ई, R is greater than KE, तो हमने क्या पढ़ा था दैट मीन्स फ्यूचर में होने वाला जो रिटर्न है यानी जो अर्निंग है वो ज़्यादा होगा than the expected return of the investors. So क्या होना चाहिए दैट इज least to least होना चाहिए या फिर 0% होना चाहिए. जो बेस्ट जो होना चाहिए वो 0% होना चाहिए. एंड अगर आर अगर आपका लेस देन के ही हुआ तो हमने क्या पढ़ा था दैट इज मैक्स टू मैक्स एंड बेस्ट डिसीजन दैट इज 100% राइट. गॉर्डन अप्रोच में कुछ और एजम्पशन भी हैं बट इन्हीं एजम्पशन में कुछ चेंजेस हुए हैं. वो बताए लीस्ट टू लीस्ट हुई है बट नॉट जीरो, मैक्स टू मैक्स होना चाहिए बट नॉट 100% राइट. सो इसमें याद रखना यहाँ पर क्या आना चाहिए दैट लीस्ट टू लीस्ट बट नॉट जीरो परसेंट एंड यहाँ पर मैक्स टू मैक्स बट नॉट 100% नहीं होना चाहिए राइट. ये ग्रोथ मॉडल की ये दो एजम्पशन है. अच्छा हमने कुछ और एजम्पशन हमें पढ़ी थी दैट इज इन रिलेशन टू दी वोल्टर्स अप्रोच. जैसे देखिए यहाँ पर जैसे लिखा है कि R इज ग्रेटर देन के ई दैट मीन्स अगर फ्यूचर में होने वाला मुनाफा अगर ज़्यादा हो एज कम्पेयर टू दी करंट एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ दी इन्वेस्टर्स सो बेस्ट टू बेस्ट करना चाहिए दैट इज़ कि लीस्ट टू लीस्ट हमें जो है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए कंपनी को राइट. बट अगर आप देखो कि जो फ्यूचर में होने वाला जो R है दैट इज रेट ऑफ रिटर्न क्या वो मतलब ज़्यादा हमेशा होगा ही होगा फिक्स है. तो ये हमने एजम्पशन माना था कि फ्यूचर में होने वाला रिटर्न जो है वो ज़्यादा होगा, ये प्रेडिक्शन की थी. ठीक है. अब वो प्रेडिक्शन कम भाई एरर तो कुछ भी हो सकता है भाई. प्रेडिक्शन हमने इधर हमने सिर्फ फोरकास्ट के बेसिस पे हमने प्रेडिक्शन की कि हमने देखा लेके जो हमारे करंट सिनेरियो चल रहे हैं, हमारे जो करंट कंपनी देती है, हमारे जो करंट प्रोजेक्ट ऑनगोइंग प्रोजेक्ट हैं वो सारे जो हमारे कहते हैं ग्रोथ पोटेंशियल हैं, हमने जहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया है. सो अगर हमें जो जो भी रिटर्न मिलेगा वो
इन्वेस्टर को रिटर्न मिलेगा, सो दैट मीन्स फ्यूचर में होने वाले जो रिटर्न है वो ज़्यादा होंगे एज कम्पेयर टू टूडेज एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ दी इन्वेस्टर्स, राइट। तो यहाँ पर एक एजम्पशन हमने लेकर चला था कि जो हमने प्रेडिक्शन की थी दैट इज ऑन रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है, जो फोरकास्ट कहता है वो फिक्स है। देखो, जब तक आप किसी चीज़ को फिक्स नहीं करोगे तो आप डिसीजन कैसे लोगे, ठीक है। जैसे कि हमने 11th स्टैंडर्ड में आप सामने पढ़ा था, दैट इज जब आप जो है प्राइस और डिमांड का रिलेशन आप पढ़ रहे थे, ठीक है। हमने इनमें पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने, कि देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड द डिमांड, बट वी आर कीपिंग सम अदर फैक्टर्स कॉन्स्टेंट, राइट। तो हमने अदर फैक्टर्स को कॉन्स्टेंट रखा, तो वो क्या थी, एक लिमिटेशन थी, एक एग्जम्पशन थी कि हमें बाकी सब फैक्टर्स को कॉन्स्टेंट रखो और सिर्फ हम देखना चाहते हैं कि प्राइस और डिमांड अगर ये दो फैक्टर हैं तो इनमें रिलेशन क्या होगा। सिमिलर यहाँ पर है, अगर आपको ग्रोथ मॉडल या वोल्टर अप्रोच चक्र को समझना है तो आपको कुछ एजम्पशन आपको फॉलो करना पड़ेगी, तभी आपको ये मॉडल समझ पाओगे, राइट। तो ये तो हमारे एजम्पशन है ही इसमें, ये दो। अब यहाँ पर कुछ एक और एजम्पशन है, क्या है उस एजम्पशन को एक बार हम पहले फॉर्मूले के थ्रू समझ लेते हैं। देखिए, अगर जो ग्रोथ मॉडल है या गोल्डन अप्रोच है, उन्होंने एक नया फॉर्मूला निकाला है कि हम जो है वोल्टर गोल्डन अप्रोच का अगर मॉडल निकालते तो प्राइस यानी करंट प्राइस जो है वो कैसे निकालेंगे, करंट प्राइस किस तरह से निकालना है, दैट इज P0 का दैट इज द करंट प्राइस, दैट इज द टुडेज प्राइस कैसे निकालते हैं, दैट इज ई 1 माइनस बी डिवाइड बाय के ई माइनस बी आर। धीरे धीरे समझते हैं ये सब क्या है। देखिए, ई क्या है यहाँ पर, दैट इज कॉल्ड अर्निंग पर शेयर, यानी कंपनी जो है हर शेयर में कितना कमा रही है। बी क्या है यहाँ पर, दैट इज कॉल्ड रिटेनिंग रेशियो या रिटेंशन रेशियो की बात है। अब रिटेंशन रेशियो कैसे करेंगे, देखिए जैसे मान लीजिए अगर डिविडेंड पे आउट रेशो सपोज 30% है, ठीक है, तो बी कितना होगा, दैट इज 70%, यानी कि इतना आपने कंपनी रिटेन कर लिया। सिमिलरली अगर आप दूसरा एग्जांपल लें, डीपीआर दैट इज डिविडेंड पे आउट रेशो, यानी कंपनी कितना डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना चाह रही है, फॉर एग्जाम्पल सपोज 60% इतना कंपनी डिस्ट्रीब्यूट कर रही है तो कंपनी ने अपने पास कितना रिटेन कर रहा है, दैट इज 40%, सो दैट इज कॉल्ड बी, दैट इज कॉल्ड रिटेंशन रेशियो और रिटेनिंग रेशियो, राइट। देन के ई, ये तो आपको पता ही है, दैट इज इक्विवेलेंट टू एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स, राइट। देन कमिंग टू आर, आर आपको पता है, दैट इज कॉल्ड रेट ऑफ रिटर्न, रेट ऑफ रिटर्न, राइट। एंड जब ये बी और आर दोनों इक्विवेलेंट हो जाए, दैट इज कॉल्ड ग्रोथ, ये ग्रोथ में जाता है। देखिए, बी और आर अगर मैं इसको थोड़ा और ब्रॉडली समझूं, देखिए जैसे देखिए बी आर है, अगर मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड करूं, एक तो आपके पास बी है एंड एक आर है, बी क्या आपका, दैट इज कॉल्ड रिटेंशन रेशियो, एंड दैट इज इक्वल टू रेट ऑफ रिटर्न। मैं क्या कर रहा हूँ, इन दोनों को बेसिकली मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, यानी कंपनी जितना भी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट अपने पास रखेगी एज अ रिजर्व रखेगी वो रिटेंशन रेशियो, और उसको मल्टीप्लाई करेंगे जो कंपनी को जो रिटर्न आएगा, जो आएगा वही क्या बन जाएगा, ग्रोथ, वो कंपनी की ग्रोथ है, ठीक है। तो सर दैट इज ये क्या आपका जी बन जाएगा, दैट इज ग्रोथ। अब चाहे इसको बी आर लिख रहे हो या जी लिख रहे हो, एक ही बात है, राइट। सो यहीं से आपकी एक और एजम्पशन निकल कर आ जाती है, दैट इज ये तो आपकी वन फर्स्ट एजम्पशन है, सेकंड एजम्पशन है, थर्ड एजम्पशन आपकी क्या बन जाती है, दैट के ई ऑलवेज ग्रेटर देन जी, ये देख रहे हो आप, अगर आप डिनोमिनेटर देख रहे हो ये चीज डिनोमिनेटर में आप ये देखो के ई माइनस बी आर या जी लिखा हुआ है, सो दैट मीन्स के ई ऑलवेज ग्रेटर देन जी, ये हमेशा हो गई होगा एजम्पशन में। मान लीजिए अगर के ई लेस देन जी हुआ तो देखिए यहाँ पर फॉर्मूले में क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा, एंड नेगेटिव केस में पी आपका क्या हो जाएगा, जीरो, जो कि
आपका जो है वो डिजायरेबल होगा नहीं, एक्सेप्टेबल होगा नहीं, इवन और इक्वल होगा तो इक्वल तो वन हो जाएगा, और वन होगा सो दैट मीन्स देखिए इक्वल तो भी आपका जीरो हो जाएगा, और जीरो दैट मीन्स आपका क्या वो प्राइस आपका क्या इन्फिनाइट हो जाएगा, वो भी पॉसिबल नहीं है। सो यहाँ पर इसमें एक ही केस लेंगे, एक ही हमने एजम्पशन लेके चला है कि के ई ऑलवेज ग्रेटर देन जी इन द गॉर्डन अप्रोच, राइट। सो आपका फॉर्मूला यही है आपका इन दिस केस, राइट। मैं फिर समझा रहा हूँ, बी क्या आपका दैट इज रिटेंशन रेशो, के ई दैट इज एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स, एंड बी आर दैट इज इक्विवेलेंट टू ग्रोथ, राइट। सो इसमें हमने आपको बस ये रखना है कि अगर आर अगर आपका बड़ा हुआ दैट इज के ई से, सो हमें देन लीस्ट टू लीस्ट बट नॉट जीरो, एंड व्हेन आर इज लेस देन के ई सो डिस्ट्रीब्यूट मैक्स टू मैक्स डिविडेंड टू द इक्विटी शोल्डर्स बट नॉट 100%, राइट। एंड अगेन ये कौन सी थियोरी आपकी, ये आपकी है रिलेवेंट थियोरी, दैट मीन्स कंपनी अगर गोल्डन अप्रोच के थ्रू कोई भी डिसीजन लेगी तो उसका जो है प्राइस और शेयर पे इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा, राइट। नाउ लेट्स टेक वन एग्जांपल ऑन दिस क्वेश्चन नंबर 8। द फॉलोइंग आर थ्री फर्म्स हैव अर्निंग पर शेयर दैट इज 18 एंड देयर कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज इक्वल टू 16%। दिस थ्री फर्म्स हैव द फॉलोइंग रेट ऑफ रिटर्न, फर्म एक्स 20%, फर्म वाई 16%, फर्म जेड 10%। इफ द रेट ऑफ रिटर्न एंड द कॉस्ट ऑफ द कैपिटल ऑफ थ्री फर्म्स आर कंपेयर्ड, फर्म एक्स इज अ ग्रोथ मॉडल है दैट इज वेन आर इज ग्रेटर देन के ई, नॉर्मलाइजेशन व्हेन दो बोथ ऑफ देम आर इक्वल, एंड फर्म जेड व्हेन देयर इज अ डिक्लाइनिंग फर्म दैट मींस व्हेन आर इज लेस देन के के ई स्टैंड्स फॉर दैट इज के ई। नाउ अज्यूमिंग दैट द फर्म्स आर कंसिडरिंग फाइव डिफरेंट लेवल ऑफ पे आउट रेशियो दैट इज 25%, 40%, 60%, 75%, 100%, अप्लाई द मैथमेटिकल फॉर्मूला गिवन बाय गोर्डन टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द शेयर्स फॉर डिफरेंट पे आउट रेशियो, राइट। सो इसको स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। मैं अभी निकालूंगा दैट इज फॉर द फर्म एक्स, फॉर द फर्म एक्स, राइट। फॉर द फर्म एक्स देखिए अगर आप मैं मान लीजिए फर्स्ट लेता हूँ सपोज डिविडेंड पे आउट रेशियो दैट इज 25%, राइट। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ दैट इज व्हेन डीपीआर इज इक्वल्स टू 25%। अब देखिए हमें गिवन क्या क्या है, हमें गिवन दैट इज के ई गिवन आपको 16%, देखिए ई गिवन आपको 18, के ई गिवन आपको 16%, राइट। एंड फर्म एक्स का रेट ऑफ रिटर्न कितना है दैट इज 20%, राइट। एंड दैट्स इट। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ दिस वी नीड टू फाइंड आउट द प्राइस ऑफ द शेयर्स। सो देखिए प्राइस ऑफ द शेयर कैसे निकालेंगे स्पेस स्पेस से हम पी जीरो निकालना है, कैसे निकालते हैं देखिए ई वन माइनस बी डिवाइड बाय के ई माइनस बी आर, कैसे निकालेंगे कि ई क्या आपको 18 की वन है, वन माइनस बी तो डी पी आर अगर 25% है तो रिटेंशन रेशियो कितना होगा 75% डिवाइडेड बाय के ई कितना है 0.16 माइनस बी आर, बी क्या आपका 0.75 मल्टीप्लाई बाय आर कितना दैट इज 0.20, दैट्स इट। देखिए आपको इसको उसको ना कैलकुलेटर में देखो आपको क्या करना है, पहले आपने कैलकुलेटर से आप डिनोमीटर सॉल्व करो, डिनोमीटर क्या करो देखो 0.75 माइनस 0.20 जो भी वैल्यू आई उसको आपको नेगेटिव में ले लो और ऐड कर दो 0.16, जस्ट अ मिनट 0.75 मल्टीप्लाई बाय 0.2। सो देखिए आपकी जो डिनोमीटर वैल्यू जो है वो कितनी आएगी दैट इज 0.16 माइनस 0.15, ये वैल्यू आपकी हो जाएगी, राइट। इसको आप माइनस कर दो किससे 0.16 से तो आपकी वैल्यू कितना आई है 0.01, तो मैं इसको हटा के डायरेक्ट कर लिख दूंगा 0.01,
है। अब ये जो वैल्यू है ना 0.01, इसको आप प्रेस करना, मेमोरी प्लस एम प्लस लिखा होगा आपके कैलकुलेटर में, इसको आप प्रेस कर देना एंड देन सॉल्व दी न्यूमिनेटर, दैट इज 18 मल्टीप्लाई बाय 0.25, दैट इज 4.5 आई आपकी, 4.5 आई है। अब इसको डिवाइड करना है आपको किससे, 0.05 से, तो डिवाइड, प्रेस डिवाइड बटन एंड देन प्रेस एम आर सी दैट इज मेमोरी रिकॉल एंड देन प्रेस इक्वल्स टू, नाउ योर वैल्यू वुड बी कम्स टू ₹415। ठीक है, तो देखिए आपको कैलकुलेटर से ही आपको आना चाहिए इजीली। सो देखिए क्या बोला हुआ, देखिए अगर DPR आपका आपका 25% है तो आपका प्राइस कितना है, दैट इज 415। अब मैं मान लीजिए DPR अगर लेता हूँ 40%, वेन DPR इज 40%, तो क्या प्राइस ऑफ चेंज में उसका कोई आंसर पे इफेक्ट आएगा ही नहीं आएगा। P0 18 1 माइनस, आप यहाँ पर कहते हो दैट इज 0.60 डिवाइडेड बाय 0.16 माइनस 0.60 मल्टीप्लाई बाय 0.20, राइट। सो 0.6 मल्टीप्लाई बाय 0.2 दैट इज इक्वल टू 0.12, माइनस करेंगे किससे, दैट इज 0.16 से, सो दैट इज इक्वल टू 0.04। नाउ 18 मल्टीप्लाई बाय 0.4, नाउ दिस वैल्यू कम्स टू रुपीज दैट इज 118, राइट। सो देखिए आप देख सकते हो, देखिए हमारा जो फर्स्ट हम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, फॉर्म एक्स से कर रहे हैं, और वो क्या है, आर इज ग्रेटर देन के। सो जब आर होता है ग्रेटर देन के तो क्या बोलते हैं हम इसको, कि लीस्ट टू लीस्ट, लीस्ट से लीस्ट, तो बोलते हैं लीस्ट टू लीस्ट, यानी कम से कम आप डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करो। ठीक है, सो आप देख सकते हो कि जब 20-40% डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करा तो प्राइस कितना रहा है, 180 आ रहा है, और जब हमने डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट 25% कर रहे हैं तो कितना रहा है, 450। तो यानी कि इसलिए इसको बोलते हैं देखिए इरेलीवेंट थियरी है, यानी कंपनी अगर कोई भी डिसीजन लेगी ऑन द बेसिस ऑफ दिस देन इट वुड डायरेक्टली अफेक्ट ऑन द प्राइस ऑफ द शेयर, राइट। सो आप देखिए, आप बाकी तो आप इजीली कर लोगे बिकॉज मैंने एक्स के दो मेथड कर लिया, फिर वाई के भी आपको करना है, आपको बस सिंपली सारी वैल्यूज को फॉर्मूला में पुटअप करना है। ओके, नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 7 एज वेल। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर के म्यूजिक कंपनी, अर्निंग पर शेयर दैट इज गिवन टू दैट इज 5, रेट ऑफ रिटर्न रिक्वायर्ड बाय द शेयर होल्डर दैट इज 16%। ये क्या गिवन आपको, दैट इज के ई, राइट। अज्यूमिंग द गोल्डन वैल्यू मॉडल होल्ड्स, वट रेट ऑफ रिटर्न शुड बी अर्नड ऑन इन्वेस्टमेंट टू इंश्योर दैट द मार्केट प्राइस इज 50 व्हेन द डिविडेंड पे आउट रेशियो इज 40%। सो देखिए पहले हाँ यहाँ देखते हैं आपको गिवन क्या क्या है। देखिए आपको गिवन दैट इज ईपीएस, आपको ईपीएस गिवन दैट इज 5, आपको केई गिवन है दैट इज 20%, सॉरी 15% आई गेस, 16%, राइट। मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर आपको गिवन है दैट इज 50, एंड डिविडेंड पेआउट रेशियो गिवन है दैट इज 40, राइट। ये जो प्राइस है ना, ये आपको क्या गिवन है, करंट प्राइस दैट इज ए P0 गिवन आपको इस बार। तो आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है इस बार आर, ठीक है, कुछ नहीं करना, आप बस फॉर्मूला में देखो, फॉर्मूले का दैट इज P0 इक्वल्स टू 1 माइनस ई, 1 माइनस बी के ई माइनस बी आर, तो ये आपको कितना गिवन है, 50 इक्वल्स टू 5 1 माइनस 0.60 डिवाइडेड बाय 0.16 माइनस 0.6 मल्टीप्लाई बाय आर, राइट। एंड जब आप आर को सॉल्व करोगे सो यू विल गेट आंसर दैट इज इक्वल्स टू 20%, दैट्स इट। सो दिस इज द फाइनल आंसर, इजी है। देखो कुछ नहीं, आपको बस कंसेप्ट थोड़ा पता होना चाहिए कि कौन सी इरेलीवेंट थ्योरी है, कौन सी इरेलीवेंट थ्योरी है।
सो अब तक हमने डिस्कस कर लिया वोल्टेज अप्रोच भी एंड गॉर्डन अप्रोच भी। आई गेस आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द MM अप्रोच। ऑलराइट, थैंक यू।